चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की बात करने वाले हैं। वीडियो सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, को स्किप ना करें। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए बीकॉम एमए एमकॉम प्राइवेट फॉर्म के बारे में। क्या यूनिवर्सिटी इस बार भी बीए बीकॉम एमए एमकॉम के प्राइवेट फॉर्म निकालेगी या सिर्फ पहले की तरह ही एमए और एमकॉम के प्राइवेट फॉर्म निकलेंगे, आप सभी छात्र छात्राओं को बताने वाला हूँ। परीक्षा समिति की बैठक में बृहस्पतिवार को बड़ा फैसला लिया गया है। जो छात्र छात्राएं बीए बीकॉम प्राइवेट फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं कि इस बार सीजीएस यूनिवर्सिटी बीए बीकॉम के प्राइवेट फॉर्म निकालने वाली है और हम वो फॉर्म भरने वाले हैं, तो उनकी जो ये गलतफहमी है वो दूर कर देता हूँ कि इस बार बीए बीकॉम के जो प्राइवेट फॉर्म है वो यूनिवर्सिटी नहीं निकालेगी, क्योंकि एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही जो है यहाँ पर स्नातक डिग्रियाँ कराने का निर्णय यूजीसी ने लिया है। तो यहाँ पर बीए बीकॉम के प्राइवेट फॉर्म नहीं आएंगे, सिर्फ सीसीएस यूनिवर्सिटी पहले की तरह एमए और एमकॉम के प्राइवेट फॉर्म ही अपने पोर्टल से भरवाएगी। यानी कि जो छात्र छात्राएं इंतजार कर रहे हैं कि बीए और बीकॉम के प्राइवेट फॉर्म आएंगे इस बार, तो जैसे ही आएंगे तो हम जो है उसको अपने एग्ज़ाम फॉर्म को भर लेंगे और अपनी बीए बीकॉम की जो डिग्री है प्राइवेट तरीके से सीसीएस यूनिवर्सिटी से करने वाले हैं, तो वो जो है गलतफहमी निकाल दीजिए। साफ साफ परीक्षा समिति की बैठक में जो है निर्णय लिया गया है कि यूनिवर्सिटी बीए और बीकॉम के जो प्राइवेट फॉर्म है वो नहीं भरवाएगी आगे से, और सिर्फ जो है प्रस्नातक के यानी कि पीजी क्लास के एमए और एमकॉम प्राइवेट के फॉर्म ही यूनिवर्सिटी भरवाने वाली है। आपको बता दूं कि स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी लागू होने से चौधरी चरण विश्वविद्यालय ने इसी सत्र से प्राइवेट मोड में बीए बीकॉम परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। विश्वविद्यालय में अब ये परीक्षाएं नहीं होगी, हालांकि पीजी प्राइवेट की परीक्षाएं यथावत जारी रहेगी। जो छात्र यूजी प्राइवेट में पहले से पंजीकृत है विश्वविद्यालय उन सबके पेपर कराते हुए डिग्री पूरी कराएगा। विश्वविद्यालय के इस फैसले का विरोध तय है। पूर्व में 2020 में राजभवन के प्राइवेट मोड में परीक्षा बंद कराने के आदेश को विश्वविद्यालय ने अस्वीकार कर दिया था। उसके साथ ही आपको बता दूं कि प्रतिवर्ष बीए और बीकॉम प्राइवेट प्रथम वर्ष में 1.25 लाख छात्र पेपर देते हैं। ये सभी ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो प्राइवेट जॉब एवं विभिन्न कारणों में रेगुलर पढ़ाई जो है नहीं कर पाते। यूजी प्राइवेट बंद करने से विश्वविद्यालय को हर साल 20 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होगा। विश्वविद्यालय के अनुसार स्नातक अब एनईपी में संचालित है और प्राइवेट इसके दायरे में नहीं है। ऐसे में प्राइवेट मोड में स्नातक कोर्स अब नहीं चलेंगे। आपको बता दूं कि जो छात्र छात्राएं बीए और बीकॉम प्राइवेट का इंतजार कर रहे हैं कि वो अपनी गलतफहमी को निकाल दीजिए और अपना जो है रेगुलर में कहीं ना कहीं एडमिशन ले लीजिए। अब सीसीएस यूनिवर्सिटी जो है बीए बीकॉम नहीं कराएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, साथ में इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।